स्वागत है आप सभी का वापस अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। जैसे कि अपन देख रहे हैं चैनल के ऊपर, कंटिन्यूअस अपडेट में देते जा रहा हूं आपको। आप भी मेरे साथ कनेक्टेड हो, अपने फ्रेंड्स लोग की भी कहो कि अपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, बिकॉज फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज मतलब 11th स्टैंडर्ड का पार्ट टू का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, राइट? तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है जो आपको याद रखना है बिफोर फिलिंग अ पार्ट टू एडमिशन फॉर्म, राइट? तो चलो देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करते रहो, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे को और मेरी पूरी टीम को बहुत ज्यादा मायने रखता है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपना जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम पे ग्रुप रहेगा, तो जरूर उसको शेयर करिए। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जो रेड कलर का बटन है उसके ऊपर जरूर फटाफट क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप फिलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपके हाथ से जाएगा नहीं, राइट? और आप हम लोग को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर @SaurabHDaivatkar, राइट? तो चलिए जाते हैं अपने FYJC के वेबसाइट के ऊपर। ये रहा वेबसाइट। एज यू नो, अलग अलग डिविजन्स का जैसे वेबसाइट होता है, जैसे आप पहले ये दिखेगा आपको होम पेज, आप मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती का कोई भी डिविजन से हो तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मुंबई के ऊपर क्लिक कर दिया और नोटिफिकेशंस जो आइकन आता है तो वहाँ पे 10th अगस्त 2020 और 8th अगस्त 2020 के लिए दो नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी हो चुके हैं। तो चेक करते हैं ये एग्जैक्टली नोटिफिकेशंस है क्या, राइट? और आज ही की वीडियो में बताने वाला हूँ पार्ट टू का फॉर्म कब आने वाला है और आपको कब से उसको फील करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई सर्च में आपको जाना है जूनियर कॉलेज इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर, ये तीनों आपको प्रॉपरली चेकआउट करना है, राइट? कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई डिवीजन से हो तो आप अगर मालाड में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप पुणे डिवीजन से हो तो आप अगर पिंपरी चिंचवड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो सारे कॉलेजेस आप पहले सर्च करके रखो, एडेड है, अनएडेड है, साइंस स्ट्रीम चाहिए, बाइफोकल चाहिए या जनरल स्ट्रीम चाहिए, ये सब प्रॉपरली पहले सर्च करो और वो सर्च आपको ये सर्च आइकन पे मिल जाएगा, राइट? उसके बाद कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हो, 1920 का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ये साल थोड़ा रिजल्ट इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मार्क्स इंक्रीज होने का चांसेस है, लेकिन डरने का नहीं, एडमिशन सबको मिल जाता है, राइट? तो देखते हैं ये दो गाइडलाइंस जो जारी की है एग्जैक्टली गाइडलाइंस क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पहला गाइडलाइन है जो उन्होंने अपने सामने रखा है, शिक्षण संचालन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य, राइट? ओके, इसका इंग्लिश वर्जन भी उन्होंने दे दिया है तो अपन यहाँ पे थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब डिविजन्स के लिए है, मतलब आप मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, इन सब के लिए है। 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सन 2020-2021 वेळापत्रक व प्रवेशाचे कार्यवाही बाबत, ओके, इसके रिलेटेड ये जारी पत्रक कर दिया है और रिसेंट है तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, चेक करते एग्जैक्टली है क्या। पहला, कोटा अंतर्गत मतलब व्यवस्थापन कोटा, इनहाउस कोटा, अल्पसंख्यक कोटा, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट कोटा, इनहाउस कोटा एंड अल्पसंख्यक कोटा। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट कोटा, कि कोई कॉलेज में आपका पहचान है, वहां पे आप चले गए और वहां पे आपको अगर मैनेजमेंट थ्रू मतलब पैसा देके, डोनेशन देके आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय इनहाउस कोटा, इनहाउस कोटा मतलब क्या, आप अगर कोई स्कूल में हो, फॉर एग्जाम्पल XYZ आपके स्कूल का नाम है और वही स्कूल में जूनियर कॉलेज भी है, 11वीं 12वीं भी उधर है, तो और आप अगर वही स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो वापस, तो उसको कहते हैं इन हाउस, मतलब आप ऑलरेडी वो स्कूल में थे और वही स्कूल में आप जूनियर कॉलेज के लिए कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसको कहते हैं इन हाउस कोटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अल्पसंख्यक कोटा, मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कोटा, मतलब आप अगर गुजराती माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, हिंदी माइनॉरिटी हो, ओके, सिंधी माइनॉरिटी हो, तो इन सब के लिए आप इस माइनॉरिटी कोटा के अंदर एडमिशन्स ले सकते हो, राइट?
तो इन सब कोटा एडमिशन के लिए जीरो फेरी मतलब क्या शून्य फेरी से शुरुआती आयोजन के लिए जाइल मतलब जीरो राउंड का पहले यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन अभी आप बोलोगे सर इनहाउस कोटा है मैनेजमेंट कोटा है तो क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ क्या? बेटा आप ले सकते हो एडमिशन, लेकिन सीन ऐसा है कि आपको ये प्रोसेस के अंदर मतलब पार्ट टू का फॉर्म आपको फिल कंपलसरी करना ही करना है। अगर आप पार्ट टू का फॉर्म फिल नहीं करते हो और कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप वहां पे फंस सकते हो। तो आपको कंपलसरी यहां पे पार्ट टू के फॉर्म में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो फिर वो मैनेजमेंट कोटा हो इनहाउस कोटा हो या माइनॉरिटी कोटा हो इसके थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वही एक कॉलेज का नाम डालो बात खत्म हो जाएगी और वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य फेरी नंतर केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया मध्ये पुढील प्रमाणे प्रमुख फेऱ्या आयोजित केल्या जातील। फर्स्ट नियमित फेरिया तीन मतलब रेगुलर राउंड कितने होने वाले तीन और विशेष राउंड यहाँ पे होने वाला है। अब ये विशेष राउंड किसके लिए होगा? जिनको केटी लगा है मतलब जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो उनके लिए भी एडमिशन होने वाला है। देखो ये कितनी खुशी की बात है उनके लिए भी एडमिशन होने वाला है लेकिन वो बाद में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो फर्स्ट तीन राउंड्स होने वाला है ऑब्वियसली वो किसके ऊपर होने वाला है? गुणवत्ता व आरक्षण व पसंतिक्रम विचाराध्ययन मतलब क्या मेरिट उसके बाद आपका रिजर्वेशन एंड आपका चॉइसेस इसके ऊपर ये एडमिशंस होने वाला है। ओके तो इन सब के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको कम से कम एक कॉलेज एंड ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज डालने का अलाउड है। आप ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलेज डाल सकते हो? 10 कॉलेज डाल सकते हो। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज क्या है चेक करते हैं। द्विलक्षी प्रवेशांचे विषयांचे प्रवेश नियमित फेऱ्या संपल्यावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधून उच्च माध्यमिक स्तरावर करण्यात येतील। इसका मतलब क्या है कि द्विलक्षी प्रवेश मतलब क्या? द्विलक्षी मतलब बाइफोकल। ओके बाइफोकल सब्जेक्ट्स का अभी एडमिशन नहीं होगा। आपको डाल के रखना है लेकिन आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उसके बाद कॉलेज लेवल पे ये मेरिट लिस्ट लगने वाला है कि भाई आपको एडमिशन मिलने वाला है बाइफोकल में या नहीं मिलने वाला है। ये इस साल चेंज हुआ है लास्ट टाइम तक ये वेबसाइट के ऊपर ही हो रहा था। ओके और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज केवळ माध्यमिक शाळा सोडल्याचा दाखला नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश थांबवता येणार नाही। मतलब अगर आपके पास LC भी नहीं है लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं है तो टेंशन लेने का क्या नहीं लेने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अभी खुशी का मौका आपके सामने रखने वाला हूँ ये है एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत लोग पूछ रहे थे सर कब खत्म होगा ये सब कब कॉलेज चालू होगा एंड क्या हम लोग को फॉर्म भरने का प्रोसेस चला जाएगा क्या? बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का अभी तक लास्ट डेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ था तो कैसे चला जाएगा राइट। तो ये कब से चालू होने वाला है? 12 अगस्त रात को 12:05 पे ये शुरू होने वाला है तो कब तक? 22 अगस्त रात को 11 बजे तक मतलब 10 दिन का टाइम आपको दिया गया है। कितना ज्यादा टाइम दिया यार राइट। तो 10 दिन का टाइम दिया गया है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म पार्ट टू रेगुलर राउंड विल बी स्टार्ट। न्यू स्टूडेंट कैन ऑल्सो सबमिट देयर पार्ट वन पार्ट टू ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन मतलब अगर आपने पार्ट वन का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसके अंदर कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बाय गाइडेंस सेंटर सेकेंडरी स्कूल भी इसमें होगा। कोटा एडमिशंस दैट इज मैनेजमेंट इन हाउस माइनॉरिटी जैसे मैंने बताया ये भी इसके अंदर होगा एंड सरेंडर ऑफ मैनेजमेंट एंड इन हाउस कोटा ये भी इसके अंदर होने वाला है। ओके ऑप्शन फॉर्म पार्ट टू विल बी क्लोज्ड फॉर रेगुलर राउंड वन ये केस ड्यूरेशन तक के लिए 22 अगस्त तक ये होगा। तो अभी कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग को ऑप्शन फॉर्म टू मतलब जो रेगुलर राउंड टू होने वाला है उसके लिए अगर हम लोग कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। देखो 23 अगस्त 12 बजे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट हो जाएगा। ओके एंड 25 अगस्त 2:05 तक ये होने वाला है। मतलब क्या कि यार यहाँ पे ग्रेवियंस होने वाला है। ग्रेवियंस मतलब क्या कि आपका अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करना है कुछ करेक्शन करना है कुछ गलती हुई है आपके फॉर्म भरने में तो आप इस दौरान 3 दिन का टाइम दिया हुआ है आप इस दौरान कर सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट चीज है 30 अगस्त 2:03
डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज एलोकेशन लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड वन एडमिशंस इस दौरान होने वाले हैं। मतलब अभी आप कहोगे सर किधर ये लिस्ट देखने को जाने का है, जैसे थ्री इडियट्स जो पिक्चर है ना उसमें दिखाया गया कि यार सब भीड़ जमा हो जाती है और वहां पे लिस्ट चेक करते, उस तरीके का कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड पे लॉगिन करना है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा हुआ रहेगा वो आपको आपके लॉगिन पे दिखने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको सब घर बैठे मिलने वाला है, राइट। और एसएमएस भी मिलने वाला है आपको, देखो एसएमएस भी मिलने वाला है, कितना अच्छा यहाँ पे कर दिया है इन्होंने, राइट। और आपको एडमिशन कंफर्मेशन करना है 31st से लेकर 3 तारीख के बीच में, मतलब 31st, 1st, 2nd, 3rd, मतलब टोटल 4 दिन का ड्यूरेशन उन्होंने दिया है कि इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज एडमिशन रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसिलेशन भी, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज तो उस कॉलेज का कैंसिलेशन भी आप इसी दौरान कर सकते हो, राइट। ओके, तो कोटा एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू इस दौरान हो जाएगा, फिर वो मैनेजमेंट एंड माइनॉरिटी कोटा हो सकता है, राइट। और 3 तारीख से शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड द स्टेटस, वो अपने को कुछ नहीं वो कॉलेज को करना है, राइट। तो इसका मराठी में भी यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इसका कॉपी आपको चाहिए तो आप हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिस्ट भी दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, जाओ उधर कनेक्ट हो जाओ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, इसके लिए आज का वीडियो बनाया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे ही पार्ट 2 फॉर्म ओपन हो जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, राइट। तो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।